मैं दे रहा हूँ माइक्रोबाइट्स जो मैं देता हूँ 4 times पर डे। अभी मैं थोड़ा सा उठा ले रहा हूँ एल्गी, आप देख पा रहे हो, तो एल्गी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे फिश फ्राइज के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा और थोड़ा सा मिक्स कर दूंगा ताकि सारे फिश फ्राइज इसको खा पाए। माइक्रोबाइट्स एंड एल्गी अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर आपके पास लाइव फूड है तो और भी अच्छी बात है। अब एंटी एक एंड मेलाकाइट ग्रीन एफ का हल्का सा डाइल्यूटेड सोल्यूशन बना के रखते हैं, 5 ml से ज्यादा एड ना करें छोटे से कंटेनर में। अगर आप डेली पानी चेंज कर पाओ 20% एंड अगर आप ये सोल्यूशन एड कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड मैं रेगुलरली करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी करेंगे। जैसे ही फ्राइज हो पहले तो आप 2 दिन उनको छोटे से कंटेनर में ही पालें, एवरी डे उनको सनलाइट में रखें क्योंकि सनलाइट उनके बैकबोन को एंड इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी एंड आपकी फ्राइज की सर्वाइवल रेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर क्या, एक एब्सोल्युटली नया टैंक को चूज करो, उसको आप सेटअप करो एंड उसको साइकिल होने दो एंड फिर 2 weeks के बाद आपके फ्राइज को उसमें ट्रांसफर कर दो, फिर आप ग्रोथ देखो।